जय हिंद डियर स्टूडेंट, हमारे पास न्यूमेरिकल है। डिड्यूस द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन जूल एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आल्सो डिड्यूस द स्पीड एट व्हिच द टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी बिकम्स 1.25 टाइम्स द रेस्ट एनर्जी। बेटे, इस न्यूमेरिकल को हम तभी कर सकते हैं जब हमने रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मास, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा हो। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, और एक हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस नाम से मेरा एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप विजिट कर लीजिए और इससे रिलेटेड आप बढ़िया से बाकायदा एक्सप्लेन्ड लेक्चर आप देख सकते हैं। और उन टॉपिक को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं रखा हुआ है। आपसे इसने कहा है कि डिड्यूस द रेस्ट एनर्जी ऑफ, रेस्ट एनर्जी क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो किसी पार्टिकल के रेस्ट फॉर्म में होने की वजह से या रेस्ट मास की वजह से है। एक ऐसा आप एक इंसार्ट समझिए कि ऐसी या एनर्जी पॉजिज बाई द पार्टिकल द रेस्ट मास ऑफ दैट पार्टिकल, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस किसी पार्टिकल का के रेस्ट मास की वजह से जो एनर्जी पार्टिकल के अंदर निहित होती है उसे हम रेस्ट एनर्जी बोलते हैं। अब रेस्ट मास क्या होता है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम रेस्ट एनर्जी बोलते हैं, और उस टाइम पर उसका जो मास होता है वो मास को हम रेस्ट मास बोलते हैं। तो हमारे पास कह रहा है कि डिड्यूस द रेस्ट एनर्जी, तो रेस्ट एनर्जी वी कैन डिनोटेड हेयर ए नॉट और ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द जूल। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। रेस्ट एनर्जी का मतलब है ए नॉट इज इक्वल टू एम नॉट और सी स्क्वायर। हेयर एम नॉट इज द रेस्ट मास, ये क्या है? रेस्ट मास है बेटे, याद रखना रेस्ट मास है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या है? तो ये रेस्ट मास एनर्जी है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रेस्ट एनर्जी है, मास नहीं, रेस्ट एनर्जी है ये। अब बेटे अगर आप रेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करने जाते हैं तो ई नॉट इज इक्वल टू, और ये भी आपको बता दें कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होती है एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, इसी सिस्टम में। तो दीज वैल्यू आर सर, और इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दीज वैल्यू आर सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन वी विल गेट द रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट की वैल्यू रख दो आप तो 19.1 × 10⁻³ किलोग्राम आ जाएगा। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हेयर ई नॉट इज इक्वल टू 9.1 × 9 × 10⁻⁸, ये 8 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा −31, और इंटू किलोग्राम, यूनिट भी आप लिख लीजिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज जस्ट इक्वल टू द जूल, तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 9 और 9 × 9 = 81 हो जाएगा ये, और यहां से 10⁻⁵ ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, −15 जूल हो जाएगा। दिस इज द रेस्ट एनर्जी। क्या बोल रहा है कि रेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करो जूल में, और फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन बोल्ट में। तो भैया इलेक्ट्रॉन बोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए आप 81.9 × 10⁻⁵ जूल को 1.6 × 10⁻⁹ बस इसी से डिवाइड कर दो। बस किस में कन्वर्ट हो गया ये? इलेक्ट्रॉन बोल्ट में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको सॉल्व करो, 16×5 = 80 लगभग हो जाएगा, 5 टाइम्स, या कितना आ जाएगा? 5.11 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन बोल्ट। दिस इज द रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रेस्ट मास, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी पॉजिज बाई द इलेक्ट्रॉन वो क्या है? 5.1 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन बोल्ट, या इन द जूल 81.9 × 10⁻¹⁵ जूल हो जाएगा। तो
यही हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो थोड़ा सा और सही लिख देते हैं, लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -14 जूल हो जाएगा, आप इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन और भी आगे है। कह रहा आल्सो डिड्यूस द स्पीड ऑफ, कह रहा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है आपको, और वो स्पीड कैलकुलेट करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन उसके लिए कुछ यहां पर रिलेशन दे रखा है, कह रहा टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी टोटल है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कह रहा है कि बिकम्स 1.25 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई लगा दो, किसके मल्टीप्लाई लगा दो, रेस्ट एनर्जी का। तो रेस्ट एनर्जी वी कैन डिनोटेड हियर ई नॉट, ई नॉट इज द रेस्ट एनर्जी, ई इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी। अब यहां से अगर मैं लिखूं इसको तो ई अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू 1.25। वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ द रिलेटिविस्टिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू द एम सी स्क्वायर एंड ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर एंड 1.25 इज इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन, बट सी स्क्वायर इज सी एंड सी स्क्वायर इज कैंसिल, देन वी विल गेट एम अपॉन एम नॉट इज जस्ट इक्वल टू 1.25। ये इतना आ जाएगा, एम अपॉन एम नॉट इज इक्वल टू 1.25 आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और अब हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर m की वैल्यू रख दें बस। तो रिलेटिविस्टिक मास का अगर फार्मूला आपको याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं 1-v² / c², यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो यहां पर हम इस एक्सप्रेशन को क्या करें, कन्वर्ट कर देते हैं m इज इक्वल टू 1.25 m नॉट से, और दिस वैल्यू ऑफ द m इज सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, देन वी विल गेट 1.25 m नॉट इज इक्वल टू द m नॉट अंडर रूट 1-v² / c². हमने कुछ नहीं किया है बेटे, बस सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में ये 1.25 m नॉट जो वैल्यू है m की जगह पर वही यहां पर पुट कर दिया है। हेयर m नॉट एंड m नॉट टू कैंसिल टू ईच अदर, ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, फिर हमें मिलेगा क्या, यहां पर क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा 1.25 इंटू अंडर रूट 1-v² / c² इज इक्वल टू 1 मिलेगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर ले, या फिर आप ऐसे लिख लें 1-v² / c² 1/1.25, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। अब स्क्वायर करिए, v² c² इसका रूट हट जाएगा और इधर 1.25 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 1-v² / c² और ये 100/1.25 हो जाएगा। दशमलव हटाया है हमने यहाँ का और ऊपर 2 जीरो बढ़ाया है, और जब यहाँ पर हम 1-v² / c² सॉल्व करेंगे तो 100 / 1.125 का स्क्वायर और इतना हो जाएगा, और यहाँ 1-100 / 1.25 का होल स्क्वायर, और ये v² / c² को इधर ले आए, और यहां पर 1.25 का होल स्क्वायर -100 का होल स्क्वायर और अपान 1.25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v² / c², और अब अगर देखें तो कुछ काम बन सकता है क्या, यहां पर होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लें, ओपन करेंगे तो 1.25 एक ब्रैकेट में रहेगा और 100 - 100 एक ब्रैकेट में, और 1.25 और +100 एक ब्रैकेट में रहेगा, और 1.25 नीचे इसका होल स्क्वायर रहेगा, और v² / c², और अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं कहाँ सॉल्व कर दूँ, इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 225 और 1.25 का नीचे होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और v² / c². तो बेटे अगर आप इसको 125 को दो बार लिख दीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख दीजिए। अब ये आप डिवाइड कर देंगे तो 5 से हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 20 55 25 से लगभग कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, और 5 2 10 55 25 हो जाएगा, तो लगभग v² / c² 9/25 आ जाएगा,
और फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी वाई सी इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा और v इज इक्वल टू 3/5 इंटू सी। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन का जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी, या आप इसी को सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 0.6 c आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछ रहा है कि जो इसका रिलेटिविस्टिक एनर्जी है वो रेस्ट एनर्जी का 1.25 जब हो जाता है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, देन द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज 0.6 c। ठीक है, इस कंडीशन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी।